स्वदेश वाणी। चैनपुर अनुमंडल के चैनपुर स्थित अलबटेका चौक पर सीडीएस शहीद विपिन रावत की तस्वीर पर गुरुवार शाम 6 बजे ग्रामीणों ने माल्यार्पण कर एवं कैंडल जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपस्थित ग्रामीणों ने 2 मिनट का मौन रखकर सीडीएस शहीद विपिन रावत व इस दुर्घटना में मारे गए सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। इस मौके पर उपस्थित चैनपुर थाना प्रभारी अमित कुमार चौधरी, सब इंस्पेक्टर दिवाकर मिश्र, कुपुल दीपक नाग व कई भूतपूर्व सैनिकों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान लोगों द्वारा विपिन रावत अमर रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे लगाए गए। वहीं इस मौके पर भूतपूर्व सैनिक जेम्स रोजारियो तिग्गा ने सीडीएस विपिन रावत को याद करते हुए कहा कि 2019 में विपिन रावत चैनपुर आए थे, जो हमारे लिए गर्व की बात है। उस समय उन्होंने यहां पहुंचकर कई भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया था। इस मौके पर मुख्य रूप से स्थानीय मुखिया मनोहर बढ़ई, अनिल किशोरी, त्रिभुवन प्रसाद, अनिल लोहरा, भारती सिंह, विवेक सिंह सहित सैकड़ों नगर वासियों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्वदेशवाणी के लिए गुमला से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। हमेशा याद रहता है कि दूसरों के कंधों पे तो जनाजे उठाए जाते हैं, जिंदगी अपने दम पे जी जाती है। हम सभी ऐसा चाहते हैं, जब कोई शहीद होता है तो हम लोग स्टेटस लगाते हैं और मतलब बड़ा पोस्ट करेंगे हम लोग कि शहीद हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बट हमारी परेशानी ये है कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे घर से कोई निकले, ठीक है। हम चाहते हैं कि दूसरे के घर से दूसरे का बच्चा मरा, चलो शहीद हुआ, ठीक है, हम बोल देंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन अपने घर से कोई अपने बच्चे को निकालना नहीं चाहता है। बहुत बढ़िया। शहीद देखिए, ज़िंदगी तो आप जी लीजिएगा अपना, ठीक है, 70 साल जिएगा, 75 साल जिएगा, लेकिन उसके बाद शायद आपको 1 से 2 पीढ़ी तक याद रखा जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं तो आपका नाम जो है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आपके बच्चे आने वाली 2-4 पीढ़ी, पर जब तक हैं, जब तक किताब में आपका नाम छप गया, तब तक लोग आपको याद रखेंगे। तो काम कुछ वैसा कीजिए कि लोग आपको याद रखें। और यही है कि जो बस ये किस्से कहानी तक ना रह जाए, 1 से 2 दिन तक ना रह जाए कि हम लोग गए थे वहाँ पे, सेल्फी लिए, फ़ोटो खिंचवाए, फूल चढ़ाए, वैसा नहीं। कोई शहीद होते हैं तो उनके मतलब शहादत को सम्मान देना चाहिए, याद रखना चाहिए, और ना सिर्फ याद रखना चाहिए बल्कि अपने जीवन में भी उसको इंकल्केट करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। और हम चाहते हैं यही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से आगे बढ़ें, अच्छा करें, चैनपुर का नाम रोशन करें। तो कभी कहीं हम लोग और भी जाएँ तो ये बोलने का मौका मिले हमको भी कि हाँ, हम चैनपुर के कभी थाना प्रभारी रहे, वहाँ पे रहे हैं, सो वहाँ के बच्चे ये नाम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 4 जनवरी को यहाँ आए थे, सबको पता है ना जी, जी। और सबसे पहले यहीं पर आकर के उन्होंने अलबटेका जी को सलामी दिया है। हाँ, उसके बाद यहाँ से वो गए थे बर्वे मैदान, और वहाँ पर स्टेज में जाने से पहले सिंहपुर गाँव के हमारे बच्चे सब उनको स्वागत करते हुए स्टेज तक ले गए थे। जनरल साहब के साथ उनकी मिसेज भी थी, और उस समय यहाँ करीब करीब हमारे देश के जो अल्बर्ट जी के सेना में थे, गार्ड्स में थे, और महार रेजिमेंट के लोग आए थे यहाँ पर, जो कि बहुत हेल्प किया, साथ ही साथ कुछ बिहार रेजिमेंट के भी थे। तो वो यहाँ पर आए, और जनरल साहब जो आए यहाँ पर, वो बहुत बड़ी बात है, हम लोग के लिए गर्व की बात है। आज तक शायद हमारे झारखंड में कोई जनरल साहब नहीं आया था, लेकिन हमारे बीच में यही रावत जी आए थे, और मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि वो हम मुझसे भी हाथ मिलाए थे, ये बहुत गर्व की बात है मुझे। और इसके बारे में ज़्यादा कहना तो मेरे लिए संभव नहीं है, मैं कहूँगा, लेकिन हम सबके लिए गर्व की बात है कि जनरल साहब हमारे इस क्षेत्र में आए, और इसके चलते हम अभी मैंने सब जान रहा है कि मैंने चैनपुर क्या चीज़ है। सब उनको धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।